हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम प्रतीक ठक्कर एंड आज हम बात करने वाले हैं कैट के बारे में। उसमें हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड बेस्ट फैकल्टीज कौन सी है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप कैट की एग्जाम देना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी बहुत जरूरी है विथ एटलीस्ट 50%, और If you are from SC, ST or DA, that is differently abled category, then you need at least 45% marks. Also, अगर आप bachelor में final year में हो तो भी आप इस exam का form भर सकते हो। बस उसमें देखना ये होता है कि आपको जब आपकी degree खत्म हो जाए उसका certificate submit करवाना पड़ता है, जिसकी एक fixed date होती है जो circumstances के हिसाब से change होती रहती है। अभी वो डेट 30 जून है। अल्सो कैट एग्जाम के लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो आप ये एग्जाम कभी भी दे सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस की एंड उसमें बेस्ट फैकल्टीज के बारे में। सिलेबस में देखें तो 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट VARC, दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीनों सेक्शंस का वेटेज 100 मार्क्स का है, सो तीनों में आपकी पकड़ आपको अच्छी बनानी पड़ेगी। अल्सो कैट में जो MCQs पूछे जाते हैं, जो लेवल के पूछे जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, यानी कि सिर्फ शॉर्टकट से आप आंसर नहीं कर सकते। सो कोचिंग लेते टाइम ऐसी जगह चूज करें जिससे आपको अच्छी फैकल्टीज मिले। अब फैकल्टीज की बात करें तो अगर आपने एक बार भी सर्च किया हो गूगल पे तो आपने ये नेम तो सुने ही होंगे, अरुण शर्मा, मीनाक्षी उपाध्याय, भरत गुप्ता एटसेट्रा। फ्रेंड्स, ये तीनों मेन फैकल्टी है एंड बेस्ट है। फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप फिजिकल की जगह ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाओगे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, क्योंकि उसके काफी सारे रीजंस हैं। अगर आप फिजिकल क्लासेस के लिए जाते हो तो आपको रोज अटेंड करने के लिए वहां इंस्टीट्यूट पे जाना पड़ता है, और अगर कभी आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो वो चीज मिस हो जाती है। कोई बैकअप सिस्टम भी नहीं होती और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आई सजेस्ट कि आप ऑनलाइन कोचिंग प्रीफर करें। और उसमें भी देखे तो हाल ही में ऑन अकेडमी का मैंने कैट का कोर्स विजिट किया, तो उन्होंने काफी सारे अच्छे बैकअप सिस्टम, सारी जो फैकल्टीज मैंने ऊपर बताई वो सारी फैकल्टीज उनके पास है। सो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। एंड मेन तो लो कॉस्ट, सभी बेनिफिट्स काफी लो कॉस्ट पे मिल रहे हैं। अल्सो डेली लाइव लेक्चर्स विद बैकअप प्लान, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड और भी काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। एक वीडियो आप बार बार अनलिमिटेड टाइम व्यूज कर सकते हो, सो उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और तो और आप वीकली मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, उसमें आपको रैंकिंग भी मिलेगी और परसेंटाइल भी। और सबसे अच्छी बात, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी होगा उसके अगले ही दिन। उनकी प्राइस टाइम पीरियड के हिसाब से है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। सो मुझे बहुत यूजफुल लगा, तो आप अन अकेडमी को, कैट के कोर्स को श्योरली सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मैंने बात की उनसे कि अगर मेरे स्टूडेंट्स और मेरे व्यूअर्स को कोई डिस्काउंट मिल जाए तो, सो उन्होंने 10% डिस्काउंट ऑफर किया है स्पेशली स्टडी बडी क्लब के व्यूअर्स के लिए। सो आप लेक्चर परचेज करते टाइम हमारा कोड SBC10 यूज कर सकते हो, ताकि आपको और 10% बेनिफिट हो। सो मुझे लगता है आपको अनअकैडमी विजिट करके डेमो देख लेना चाहिए, एंड सारी अच्छी फैकल्टीज भी वहां पे है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो उसमें टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो उसमें टोटल 32 क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। फ्रेंड्स, इसमें भी टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे। सो ऐसे आपको टोटल 100 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। अल्सो हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा, यानी कि 300 मार्क्स का ओवरऑल पेपर आएगा। यहाँ पे सिर्फ MCQs नहीं आएंगे, नॉन MCQ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। MCQ एंड नॉन MCQ हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहेंगे, पर MCQ क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 मार्क्स हो जाएगा। बट नॉन MCQ बेस्ड क्वेश्चन में
ऐसी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, मतलब आप सही लिखो तो 3 मार्क्स, गलत लिखो तो 0, और एमसीक्यू में सही लिखो तो 3 मार्क्स और गलत लिखो तो -1। अगर अटेंड नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं कटेगा। जो तीनों सेक्शंस है उसमें हर एक के लिए 60 मिनट्स दी जाएगी, यानी कि टोटल 3 आर का ये पेपर रहेगा। अल्सो इसमें आप बीच में से नहीं निकल सकते, यानी कि जब आप फर्स्ट सेक्शन कर रहे हो तो फर्स्ट 1 आर में उसी का पेपर मिलेगा, और अगर आपको आए या फिर ना आए आपको 60 मिनट्स बैठे ही रहना है। फिर सेकेंड आर शुरू होगा तब सेकेंड सेक्शन का पेपर मिलेगा। सो आपको कॉन्स्टेंट 3 आर्स में तीनों सेक्शन के पेपर देने हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात की कैट के बारे में, जिसमें हमने पूरी जानकारी ली कि सिलेबस क्या है, कोचिंग के लिए भी देखा कि फैकल्टीज, फैसिलिटीज एंड कॉस्ट के हिसाब से अनअकैडमी मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको हमारा कोड यानी कि SBC10 यूज करने पर 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड लास्ट में हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में भी देखा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प में आए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब टू स्टडी बडी क्लब फॉर मोर यूजफुल वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।